मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक चैट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक कलेक्टर महिला दूसरी डिप्टी कलेक्टर महिला से बीजेपी को जितवाने की अपील कर रही है, बदले में एसडीएम की पोस्ट मिलने का लालच भी दे रही है। ये चैट मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर और डिप्टी जिला कलेक्टर के बीच चली बातचीत का है। इसके अनुसार शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी से भाजपा को विधानसभा चुनाव में जिताने को कह रही है। हालांकि दोनों ही अधिकारी महिलाओं ने इस चैट को फेक बताया है। पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी की शिकायत के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है। जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने इस घटना के सामने आने के बाद कहा है कि हम चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि कलेक्टर को हटाया जाए और जैतपुर में फिर से मतदान कराया जाए, क्योंकि ये घटना काफी गंभीर है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक चैट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक कलेक्टर महिला दूसरी डिप्टी कलेक्टर महिला से बीजेपी को जितवाने की अपील कर रही है, बदले में एसडीएम की पोस्ट मिलने का लालच भी दे रही है। ये चैट मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर और डिप्टी जिला कलेक्टर के बीच चली बातचीत का है। इसके अनुसार शहडोल की कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी से भाजपा को विधानसभा चुनाव में जिताने को कह रही है। हालांकि दोनों ही अधिकारी महिलाओं ने इस चैट को फेक बताया है। पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डिप्टी कलेक्टर पूजा तिवारी की शिकायत के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है। जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने इस घटना के सामने आने के बाद कहा है कि हम चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि कलेक्टर को हटाया जाए और जैतपुर में फिर से मतदान कराया जाए, क्योंकि ये घटना काफी गंभीर है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।